बॉटल है। वाह मजा आ गया, वाह वाह वाह, मेरा शेर भगा भगा रे लौंडे भगा। शुभम भट्ट तो 26 28 तो मैंने सबको क्रॉस कर दिया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप देख सकते हो, हम करने वाले एक खतरनाक क्वाइट बैटल जिसमें होने वाली है लगभग 160 सीसी, लेकिन एक है 150 सीसी। ये देख सकते हो बजाज की पल्सर N150 है, ये है बजाज की पल्सर N160, ये है बजाज की NS160 BS6 फेज 2 या BS7 बोल सकते हो, और ये है TVS की अपाचे 160 4V वाला मॉडल। बाकी बात कर लीजिए, सारी बाइक जो है 2023 मॉडल हैं, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक बाइक में USD देखने को मिलने वाला, वो है ये NS, और ये आपकी न्यू लॉन्च जो आई है अभी बजाज की पल्सर N150, ये भी BS7 वाला ही मॉडल है। E20 देख सकते हो, ये भी E20 है, वो भी E20 है, सभी E20 है यहाँ पे। बाकी अब बात कर लीजिए पावर की, तो मैं पावर की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इनकी सेपरेट वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, जाके देख सकते हो, उनमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे पावर की बात नहीं करेंगे, सीसीज की बात कर ले, तो यहाँ पे 160 सीसी 150 सीसी 160 सीसी, ये दोनों देखने में सेम होने वाली हैं, लेकिन ये N150 है और ये N160 है। बाकी इस क्वाड को करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको डुअल डिस अपाचे में देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले, यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, और पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगी, यहाँ पे भी आपको डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क देखने को मिलने वाली है। बाकी चलिए शुरू करते हैं इस बैटल को, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर करना, चलो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, मैं चला रहा हूँ पहले N160 को, आशीष चला रहा है N150, शुभम चला रहा है NS160, और आर्यन भाई अपने चला रहे हैं अपाचे 160 4V को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उम्मीद थी, यहाँ NS BS7 सबसे आगे है, और सेकंड में चल रही अपनी BS7, और अभी मैं सेकंड थर्ड से स्विच हो रहा है, देखते हैं। बाकी यहाँ फिलहाल अपाचे सबसे आगे होने वाली है। लेकिन ज़्यादा देर नहीं, N160 सबसे आगे जा चुकी है, अपाचे पीछे हो चुकी है 130 से, और मैं सबसे आगे हूँ, इस समय 132 जा चुकी है, 132। देखते हैं कितना गैप मेंटेन होने वाला है 133 34। चल रहा हूँ मैं, 5G बाइक मेरे पीछे ही है, आगे कोई निकल नहीं पाई है।
देखने वाली बात ये होगी कि जो है वही बराबर अपाची है कि नहीं। अपाची ही पीछे लगी है, एनएस बीएस 7 तो सबसे पीछे हो जाएगी, ये मुझे पता है। आ रही है धम्मा धम्मा। टक्कर दे रही है, अपाची ही है जो लगी हुई है पीछे। ये बगल में आ चुकी है अपाचे, ये देख सकते हो पीछे बगल में लगी हुई है, ये देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एनएस की पार जो है वो ज्यादा है N160 की अपाची से, क्योंकि अपाची जो है देख सकते हो पीछे लगी हुई है बिल्कुल। बाकी एनएस वगैरह काफी पीछे है। ये लोग बहुत पीछे थे। सो गाइस फर्स्ट राउंड में आपने देखा कि सबसे आगे N160 थी, मैंने चलाई, अपाची चला रहे थे भाई, सेकंड आई, थर्ड पे अपनी N150, फोर्थ पे अपनी NS, क्योंकि लिमिटर उसमें है। तो चलो मैं इसको चलाता हूँ, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। अब मैं चला रहा हूँ N150 को, क्योंकि इसमें लिमिटर है 95,000 पे लिमिटर जो है, इसकी वजह से ये पीछे हो जाती है। तो चलिए आप देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आते हैं सेकंड राउंड में। तो काफी खतरनाक लॉन्च इसका था व्हीली मारते हुए। N150 लेके मैं सबसे पीछे हूँ, क्योंकि इसका टॉर्क सबसे कम होने वाला है यहाँ पे। अब BS पार भी मेरे हिसाब से सबसे ही कम है, लेकिन देखते हैं क्रॉस कर पाते हैं हम कि नहीं। और इसका लिमिटर आते NS को क्रॉस कर दिया है। देखते हैं यहाँ पे 122 जा चुकी है ये, 123, 124, 126, 126। कर दिया है सबको क्रॉस करते हुए, मैं सबसे आगे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा लाइट वेट होने वाला है यहाँ पे। और N160 बगल में अपाचे, अरे भाई क्या खतरनाक बैटल है, वाह। मजा आ गया, वाह वाह वाह, मेरा शेर भगा भगा रे लौंडे,
भगा। शुभम भाई हमारे आगे चल रहे हैं और ये मैंने इनको क्रॉस किया, सबको क्रॉस करेगा तुम्हारा भाई। N150 सबसे आगे इस समय और ये दोनों बगल में, ये N160 निकली, इसकी स्लिम ड्रीमिंग करते हैं। खतरनाक बैटल हो रही है यहाँ पे, 125 जा चुकी है। खतरनाक जा, खतरनाक खतरनाक भाई, खतरनाक। क्या गजब भाई, उतना ही चली जा रही, लिमिटर नाम की चीज नहीं है उसमें, 129 चली गई भाई ये। हाँ 120 सबको पीछे कर दिए, 130 जा रही थी मैं, 129 बगल में चल रही, बगल में चली जा रही, लिमिटर आया ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा है। हाँ सबको, सबको पीछे कर दिया। अबे कसम से भाई, जबकि लॉन्च में सबसे पीछे था मैं, उसके बाद में क्रॉस करते करते निकलती चली गई। तो गाइस यहाँ पे जो रिजल्ट है, फर्स्ट में अपनी मान लो N160, सेकंड में अपनी अपाची, ये क्रॉस सबको कर रही थी लेकिन स्लिम शेमिंग करते हुए टक्कर दे रही है, आगे पीछे कर रही है। तो यहाँ पे थर्ड अपनी N150 होने वाली, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है इसने आपको रिजल्ट दिया यहाँ पे, क्योंकि ये एक सिंगल गाड़ी इसमें जो एयर कूल्ड है, बाकी सब लिक्विड कूल्ड है। तो यहाँ पे फोर्थ अपनी NS BS7 वाली हुआ। और यहाँ कैसी लगी ड्रैग ये मुझे कमेंट करके बताना, बाकी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।